पर हाँ भाई देखते हैं गोहिल के बेस के ऊपर क्या हो रहा है। गोहिल के बेस के ऊपर भाई 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 धीरे 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 भाई, ये बंदे को काफी जल्दी है भाई, बहुत जल्दी जल्दी अटैक कर रहा है बंदा। भाई भाई कितना जल्दी अटैक कर रहा है यार, इसको घाई है बहुत ज्यादा, इसको घाई है, कहीं जाना है इसको। मराठी में बोलते घाई, घाई मतलब जल्दबाजी। भाई साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लोन कर दिया सुपर मिनियन को, इनमें डाल दिया, रेज डाल दिया, टाउन हॉल और मोनो लेने की कोशिश। सीसी ल्यूर हुई नहीं है, अच्छी बात है, शायद अमी इसके साथ आ जाएगा, आएगा क्या सीसी, आएगा क्या, आएगा आएगा, ले भाई सीसी बाहर निकल, नहीं यार सीसी तो निकली है भाई बाहर, ये देखो सीसी बाहर निकली है। तो भाई यहाँ पे भाई साहब ने बहुत जल्दी जल्दी अटैक कर दिया, जो आर्मी को कोर में जाना था, आर्मी कोर में जाने के बजाय भाई ये कहाँ भटक गई है, सारे के सारे सुपर ड्रैगन्स बाहर। एक बार मेरे भाइयों आप सभी लोगों ने हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, छोटी दिवाली आज, कल बड़ी वाली है, लक्ष्मी पूजन है कल, कल स्ट्रीम नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है परसों करेंगे स्ट्रीम, कल नहीं करेंगे। तो भाई साहब यहाँ पे क्या ये हो पाएगा, कम ऑन लेट्स गो सुपर ड्रैगन्स, एक सुपर ड्रैगन बचा हुआ है, उसकी भी हेल्थ काफ़ी कम है भाई। भाई बंदे ने डेढ़ मिनट में अटैक, पता नहीं इसको कितनी जल्दी है, कहाँ जाना चाह रहा है भाई, पटाखे खरीदने जा रहा है ये, मेरे को समझ आ गया अपने और पटाखे फोड़ने, इसलिए भाई ने जल्दी डेढ़ मिनट में अटैक खत्म कर दिया, बोल रहा पहले अटैक खत्म करके पटाखे खरीद लूंगा और फोड़ूंगा। भाई वैसे देखा जाए ना बेस में ज़्यादा चीज़ें बची थी नहीं यार, सुपर ड्रैगन्स अगर ढंग से पुश होते ना कोर में खत्म था ये बेस। ओके गाइस अगला अटैक चालू हो चुका है, लेट्स गो अगला अटैक देखते भाई। गोहिल के बेस के ऊपर हो चुका है फेल अटैक, उसके बाद अगला अटैक चालू हो चुका है यहाँ पे सुप्रा हॉग राइडर के साथ, गोल्डन हॉग राइडर्स आ चुके हैं। हाँ भाई देखते हैं, अभी बजे TWOB की टूर्नामेंट की मैच है, ये वाली जो मैच है ये प्रैक्टिस मैच चल रही है, दिस इज नॉट अ टूर्नामेंट मैच, दिस इज अ प्रैक्टिस मैच। वैसे आप लोगों को बता दूं दिस इज नॉट अ टूर्नामेंट, दिस इज जस्ट FW। तो भाई यहाँ पे ये क्या हो रहा है भाई, भाई साहब ने यहाँ पे ग्रैंड वार्डन नहीं डाला है, छोटा वार्डन डाला है, और यहाँ पे टाउन हॉल के सामने लॉग लॉन्चर को डाला है। भाई साहब का प्लान है क्या यहाँ पे, मेरे को तो समझ नहीं आया। ओ भाई साहब भाई रेज तो यूज कर लिया, फ्रीज भी यूज कर लिया है, अबे यार रेज थोड़ा गलत डाल दिया, देखो यार थोड़ा सा गलत डाल दिया भाई साहब ने, अर्थ को एक उतारा है। मुझे टाउन हॉल मिलेगा क्या, मिल जाएगा मेरे साथ, मिल जाएगा मिल गया भाई, भाई साहब वैल्यू तो काफ़ी अच्छी मिली है यार, अभी भी दो हील्स पहले भाई साहब के पास, सारे के सारे गोल्डन हॉग राइडर्स डिप्लॉय कर दिए। ओ भाई साहब भाई 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 क्या ये हो सकता है ट्रिपल, क्योंकि भाई देखो भाई के पास एक ही फ्रीज बचा हुआ है, फ्रीज की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है इस आर्मी के अंदर एज कम्पेयर टू हील स्पेल। लेकिन भाई साहब यहाँ पे हील एक्स्ट्रा हैं, इसको क्यों फ्रीज किया भाई, कुछ समझ नहीं आया मेरे को। भाई 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 देख लो भाई, हील स्पेल होने के बावजूद यार मरे जा रहे भाई हॉग राइडर, देख लो भाई ये आर्मी जो है ना सुपर हॉग राइडर वाली, इनको भाई हील स्पेल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, इनको रेज की ज़रूरत है और फ्रीज की ज़रूरत है, क्योंकि रेड स्पेल टावर के अंदर ये जो स्कैटर शॉट है ना भाई, ये भयंकर बन जाता है भाई, यमराज बन जाता है। ये लो भाई ये बेस भाई साहब नहीं फोड़ पाया सायक का, ये नकली सा बेस, इजी बेस था ये सायक का, उतना ज़्यादा भी मुश्किल बेस नहीं था। देख लो भाई ये हो गया 57%, हो सकता था अच्छे से भाई साहब एग्जीक्यूट करते तो, स्टार्टिंग तो काफ़ी अच्छी हुई थी भाई की, बट नो वरीज अच्छा अटैक था उस हिसाब से। ओके भाई तो मेरे को ट्रूप्स मिले क्या, अबे यार मेरे को ट्रूप्स दे दो भाई आज, पता नहीं भाई कितना प्लस होएगा आज, 3 अटैक्स और बचे हैं मेरे ऊपर, और कल तो देखो भाई कल हमारे साथ क्या हुआ, कल प्लस 96 हुआ है, आज पता नहीं कितना होगा प्लस, होपफुली ज़्यादा प्लस हो जाए। गोहिल भाई साहब आ चुके हैं गाइस अटैक के लिए, गोहिल भाई का अटैक देखते हैं, गोहिल आज सोया नहीं है, बोल रहा आज पटाखे नहीं फोड़ूंगा, आज बेस फोड़ूंगा। तो गोहिल यहाँ पे आ चुका है मेरे भाई 36 सुपर बाबरीरियंस के साथ, उसके बाद डिप्लॉय करती है ढेर सारे बलून्स, वार्डन डालेगा नहीं डालेगा, बिना वार्डन के साथ जा रहा है भाई, बिना वार्डन के जा रहा है,
अरे भाई बेटेड था। अरे रे 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 आइस लावा बाहर ना बुला ले, सुपर आर्थर नहीं बुला। अबे 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 बच गए भाई बच गए। चलो सही है, अभी आइस लावा को मारेगा ये अपनी इलेक्ट्रो टाइटन की मदद से। चलो ईगल मिल चुका है, मोनो मिल चुका है, स्कैटर मिल चुका है, क्या बात है भाई। ठीक है अच्छी वैल्यू मिल गई, उसी टाइम पे गोहिल को डाल देना चाहिए था इलेक्ट्रो टाइटन को, बट नो वरीज अभी भी काफी वक्त बचा हुआ है गोहिल के पास। और सबसे भयंकर यमराज वाला कंपार्टमेंट, ये तीन मल्टी है यहाँ पे, टाउन हॉल, दोनों स्पेल टावर्स, दो एक्सबोज और बड़ा कंपार्टमेंट वही है ये, बाकी सारा चीज तो आरसी के साथ निकल जाएगा। देखते भाई गोहिल ने जो प्लान करा है क्या ये वर्क करेगा इस बेस के ऊपर। लेट्स गो, आइस गोलम को डिप्लॉय कर दिया। देखो एनिमी की क्वीन है यहाँ पे, ठीक है हेडर बचेगा मरेगा। अरे वाह आइस गोलम फट गया और फ्रीज कर दिया उसने, ये बहुत सही हो गया भाई। तो दो दो सुपर बाबरी रियंस के साथ गोहिल फनल ले रहा है जिससे कि गोहिल की आर्मी अंदर जाए। और गोहिल ने यार यहाँ पे कोई भी वॉल ब्रेकर नहीं लिया, ये मेरे को अच्छा लगा क्योंकि जरूरत है ही नहीं वॉल ब्रेकर की, सारे वॉल कंपार्टमेंट्स ओपन है। गॉर्डन की एबिलिटी है दो इनविजिबिली स्पेल्स गोहिल के पास अभी भी बच चुके हैं, ये काफी अच्छी बात है। रेड स्पेल टावर एक्टिवेट हो चुका है, एक और है जो फट के फ्रीज हो जाएगा बहुत जल्दी, और बहुत चीजें फ्रीज कर दी इसने, मजा आ गया भाई, मजा दिला दिया। बस एक और आइस गोलम, और रे भाई साहब तीन आइस गोलम लेके आ गया था गोहिल यहाँ पे, लग गए भाई इसके। जो मेरे साथ होता है वही हो गया इसके साथ भी, बार्बेरियन किंग वार्डन एबिलिटी में नहीं आया, कर लो बात। एक अप्रेंटिस वार्डन यूज करना था यार इसको आरसी के ऊपर, पता नहीं अब क्या होगा, आरसी कर पाएगी क्या, क्लच कर पाएगी। अच्छा इनवी है, आरसी के ऊपर डैमेज बढ़ गया यार अचानक से। ना 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 भाई स्केलेटन ट्रैप्स बहुत दिक्कत दे रहे हेड हंटर, मार दे नहीं मार पाए, नहीं चलो मार दिया। आरसी पे अब भी एबिलिटी पड़ी है, मेरे हिसाब से खत्म हो तो जाना चाहिए भाई। नहीं दिया एबिलिटी, नहीं दिया भाई, इनवी यूज कर लिया सही टाइम पे, सही है सही है भाई। गोल ले गया इस बेस को, चलो भाई यार ऐसी परफॉर्मेंस अगर गोहिल उधर लैंड में दे देता ना मजा आ जाता, पर पता नहीं क्या हो गया था गोहिल को, उधर अटैक से नहीं कर पा रहा था, सुपर आर्चरी उसकी फेल हो गई। क्या ये हो सकता है अब भी ट्रिपल, आई थिंक नहीं होएगा अब, फेल है यार, वक्त तो दिया हुआ है। गोहिल ने वक्त कहाँ पे बर्बाद किया पता है, वो जो इलेक्ट्रो टाइटन स्टार्टिंग में डाल देना चाहिए था आइस लावा जब बाहर, वो नहीं डाला गोहिल ने, वो वहां पे देरी कर दी और ये अनफॉर्चुनेटली 99 नहीं हो पाया, 98% हो गया भाई। कोहिल माय मैन व्हाट आर यू डूइंग,